अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र करम, मैं ठीक ठाक। आई होप कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को ये समझ लें कि आज की जो वीडियो है इसमें आप लोग फुल मशीन की ट्रेनिंग लेने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बताना है ऑन कैसे करनी है, इसके अंदर मसला मसाइल 19-20 आ जाता है उसको सेट कैसे करना है, ताकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन वगैरह आते हैं कि आप लोग ऐसी कोई वीडियो डालें जिसके ऊपर हमें आपसे कोई ऐसे ना कर पर वीडियो देख के अपना सेटअप कर सके, मशीन के अंदर कोई मसला मसाइल आ रहा है तो वो अपना सेटअप कर सके। तो ये एक खसूसी बात यह है कि दूसरा रमज़ान हो चुका है, रमज़ान मुबारक सबको, मेरी तरफ से मुबारक हो, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे रोज़े रखने की। यार दोस्तों, आप लोगों को एक पैकेज दिया हुआ है मैंने, अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर मैनुअल ऑटो मशीन लेते हैं उसका अगर बिल 2-2.5 लाख बन रहा है तो मैंने आपको उसमें समझ लें कि 30-40 हज़ार रुपया डिस्काउंट दे दिया है। मैनुअल मशीन ले रहे हैं उसमें भी आपको 20-30 हज़ार रुपया डिस्काउंट दे दिया है। आप टांके वाली मशीन ले रहे हैं उसमें भी 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये डिस्काउंट आपको दे दिया है। आप लोग इस डिस्काउंट का फ़ायदा लेना चाहते हैं, इसी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें ताकि आप लोग घर बैठे अपना सेटअप बुक करवा सकें। अगर आप लोग इधर आके बुक करवाना चाहते हैं, इधर आके मशीन लेकर जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर आप लोगों के पास टाइम इतना नहीं आने का तो आप लोग पेमेंट सेंड करें, यहाँ से अपना जो है सामान बिल्टी लगवाएं, मैं यहाँ से बिल्टी लगवा दूंगा, बिल्टी सेंड करते ही रसीद आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। अदरवाइज आप लोग कहते हैं 4-5 दिन तक हमने आना है, आने से पहले 5-10 हज़ार रुपये एडवांस लगवा दें ताकि आप लोगों की मशीन बुक हो जाए, आप लोगों का पैकेज लग जाए। 4-5 दिन में जैसे ही आप आते हैं आने से पहले सामान को रेडी स्टडी किया जाए। तो जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी वीडियो को लाइक करें। क्या करना है, मशीन को कर लेना है ऑन, मशीन का जो स्विच है वो आप लोगों ने लगा देना है वापडा में, या जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस तरह वापडा के अंदर लगा के मशीन को हम लोगों ने करना होता है ऑन। ऑन ऑन करते ही इस तरह की डिस्प्ले आप लोगों के सामने ऑन हो जाती है। सबसे पहले जो है आप लोगों ने इसकी जो हीट कंट्रोलर है इसको आप लोगों ने नए बंदे ने 180-190-200 तक स्टार्ट करना है। तो जो ऑलरेडी इसका कारीगर बन चुका है, इसको कंप्लीट समझ चुका है, तो उसने इसके जो है 210-220 पे भी वो कर सकता है, लेकिन 220 और 210 पे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए, इसलिए क्योंकि आप लोगों से इसके अंदर दाना भी जल सकता है, ये नोज़ल बंद भी हो सकती है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये समझ लें कि जो आप लोगों की ट्रेनिंग मैं यहाँ पर देता हूँ वो ट्रेनिंग आप लोगों की ये फुल चल रही है, ठीक है सर। और बकाया ये जो सेटिंग है डाई का, ये सुराख इधर ना गुजरे, ये वाला सुराख जो है नोज़ल की नीचे से जो माल निकलता है उसकी इधर इस तरफ ये सुराख इस तरफ गुजर ना जाए, तो इसलिए इसकी ये सेटिंग ये की होती है। जैसा कि आप लोगों को दिखा दूं मैं, मेरा ख्याल है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये वाला सुराख जो है मैंने इस नोज़ल के बिल्कुल साथ सेट करना है। अब देखें इसने आगे से उसको रोक लिया है, मतलब कि इसके साथ टच हो गया, इसने आगे नहीं जाने दिया, तो ये इसकी सेटिंग ये यहाँ से फिक्स कर देनी होती है, यहाँ पर चेक नट को यहाँ साथ टाइट कर देना होता है, ठीक है। ये आप लोगों की सेटिंग हो जाती है टाइट, सेटिंग को टाइट करने के साथ साथ जो है ये आप लोगों ने गौर करना है, ये सुराख जो है उसका बिल्कुल माल सीधा आना चाहिए, तो ये चीज़ क्लियर होगी। और डाई को साफ़ सुथरी करके आप लोगों ने यहाँ पर जो हीट फिक्स की होगी ये आप लोगों की, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 200 पे की हुई है, 190 पे ये वाली हो जाएगी, 195 पे हो जाएगी, आप लोग काम स्टार्ट करें। जैसे मैंने 210 पे की हुई है, मैं कोशिश करूँगा हो सकता है 190 पे या 200 पे काम स्टार्ट हो जाए, नहीं तो 210 पे तो लाजमी काम स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग हीट फिक्स करते ही इसको इस हीट का इसके साथ लेवल बराबर देखना होता है। बाज़ आप लोगों के साथ जो है आप लोगों की डाई फिल नहीं होती है, हाफ फिल होती है डाई, या मोनोग्राम आधा बनता है, तो ये प्रेशर आप लोगों ने देखना है। प्रेशर कम से कम आप लोगों का कंप्रेसर जैसे ही 6 बार पे आता है, यहाँ पर जैसे ही 6 बार पे ये सुई आती है ये कंप्रेसर जो है आप लोगों का ऑटोमेटिक चलना चाहिए। इसकी सेटिंग हम लोग करके देते हैं, अदरवाइज़ आप कहीं और से कुछ चीज़ ले रहे हैं तो आप लोगों ने इसकी सेटिंग करवा कर लेनी है। तो जैसे ही आप देखें यहाँ पर सुई हमारी आएगी तो ये कंप्रेसर चल पड़ेगा। मैं थोड़ी सी हवा भी करता हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, ये देखिएगा हवा निकल रही है, अब जैसे 6 पे आएगी तो ये चल पड़ेगा। ये देखें चल गया, ये चीज़ है। अब ये सुई आगे जाना स्टार्ट हो गई है 6 पे, जैसे ही आती है तो ये आगे जाना स्टार्ट हो गया। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का माल ज़ाया नहीं जाएगा, आप लोगों की हाफ फिल नहीं होगी, जैसे ये कंप्रेसर बंद होता है दोबारा मिलते हैं।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कंप्रेसर बंद हो चुका है, सुई हमारी तकरीबन 9 बार पे आ चुकी है, ठीक है, 8 से आगे 10 से पीछे, तकरीबन 9 पे आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको यूज़ करना है, ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ही ये 6 पे जाएगी इसने फिर ऑटोमेटिक चल पड़ना है, क्योंकि इसकी सेटिंग हमने 6 से आगे की है। अगर 6 से पीछे 4 पे, 4 से 6 तक सेटिंग की होगी तो ये फिल ही नहीं करेगा, उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम इन चीज़ों सारी को कंप्लीट बना के ओके करके यहाँ पर इसकी फिक्सिंग करके फिर भेजते हैं, ठीक है मेरा भाई। उसके अलावा इसका आयल चेंज होता है, वो आप लोगों ने 20-25 दिन बाद, जैसे बाइक का आयल चेंज करते हैं, महीने बाद चेंज करते हैं, आप लोगों ने चेंज करते रहना है, और इससे आयल निकाल के देख लेना, जितना आयल इसमें डलता है उतना आयल आप लोगों को इसमें डाल लेना है, ठीक है मेरा भाई। उसके अलावा जो है आप लोगों की इसके अंदर टैंकी के अंदर 2-4 माह 5 माह बाद आप लोगों को लगे कि कंप्रेसर चल के 6 से यहाँ 8 तक आके, यहाँ तक आके बंद हो जाता है या फिर बंद नहीं होता, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना था, कंप्रेसर के नीचे दोनों, ये व्हील है उस तरफ व्हील है, दोनों व्हील के दरमियान नीचे वाली साइड पर एक नट लगा होता है, पहले हवा इसकी निकाल लेनी है, यहाँ से हवा वीक करके बिल्कुल खाली कर लेना है, पीछे से वापटा बंद कर देनी है, बंद करने के बाद जो है उस नट को खोलना है, खोलने के बाद उसके अंदर जो पानी वानी होगा वो निकाल देना है, तो वो प्रेशर उससे, उसकी वजह से भी प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, जब निकल जाएगा फिर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सेटिंग है। उसके अलावा आप जैसे ही देख रहे हैं कि ये हीट मेरी उस तक पहुंच रही है, जैसे ही इसके अंदर दाना आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है, जैसे ही आप लोगों का काम चल रहा हो दाना डाल देना है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो हैं इस जो इसके अंदर प्लेट लगी हुई है, ये वाली प्लेट, इस प्लेट को भर देते हैं भाई, ये नहीं भरना आप लोगों, सिर्फ इसके अंदर इतना दाना डालना है ताकि ये अंदर सुराख इसका फिल हो जाए और बकाया इसके साइडों पे आ जाए, ताकि इसको अंदर जाने में दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, प्रेशर पूरा रहे और प्रेशर पूरे के साथ ही अच्छे तरीके से फिल कर सके। तो जैसे ये गर्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा माल यहाँ से वेस्टेज आना शुरू हो जाती है, या फिर आप लोगों ने जैसे ही आप लोगों ने फिक्स किया है 195 हो चुका है, आप लोगों ने इसको यहाँ से पुशअप करके देखना है, नीचे डाई रख के, और ये चीज़ें आप लोगों ने गौर करनी है। इसके अलावा भी फिर भी आप लोगों किसी चीज़ की परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो आप अपने भाई को ज़रूर याद कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है कि आप लोगों को बताऊंगा नहीं। और इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों की मशीन जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो, और आप लोगों की जिसामत के हिसाब से इसकी ऊंचाई हो, और आप लोगों की ये जो जोड़ है टांगों के यहाँ पर, यहाँ से ऊपर नहीं होनी चाहिए मशीन, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर फिर जोर लगाना जो है मुश्किल होता है, ठीक है। इन चीज़ों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, अगर आप लोगों की हाइट से थोड़ी सी भी ऊपर आ जाती है आप लोगों को ऐसे खड़ा होकर जोर लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों ने अपने टेबल इस तरह के बनाए हुए हैं, इसकी इसकी हाइट से, ये वाली जगह की हाइट से नीचे बैठ के ऐसे करके वो बिल्कुल ऐसे ईजिली जोर लगा सकते हैं, खड़े होकर काम करेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन आती है, बैठ के करेंगे वो जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो जैसे ये मशीन हमारी हीट का सिर्फ इंतज़ार है, हीट जैसे कंप्लीट होती है तो हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। सिंपली यही आप लोगों की ट्रेनिंग है, यही आप लोगों का, अगर 19-20 को मसला मसाला आ भी जाता है तो मसला सिर्फ आता है आप लोगों की डाई हाफ फिल होती है या कभी फिल नहीं होती, उसका मकसद यही होता है आप लोगों की हीट ज़्यादा नहीं है या प्रेशर पीछे से पूरा नहीं है। अगर प्रेशर पूरा है, हीट भी ज़्यादा है, आप लोगों का हाथ स्लो है, तो फिर आप लोगों का दाना जल के नोज़ल अंदर सुराख इसका छोटा हो जाता है या दाना जल के अंदर नोज़ल बंद हो जाती है। इन सब चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर तो आप लोगों का प्रेशर पूरा है, ये यहाँ से फिल भी कर रही है, तो आप कोशिश किया करें, अगर 200 पे आप लोगों को प्रेशर चल रहा है, फिल हो रही है लेकिन नीचे से माल वेस्ट हो रहा है, मतलब ये समझ लें कि हीट इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हीट इसकी 10% कम कर देनी है, 15% कम कर देनी है, फिर काम करते रहना करते रहना, जैसे आपको लगे अभी थोड़ा सा माल हार्ड आने लगा है फिर थोड़ी सी हीट बढ़ा देनी है। इसी तरह इसके तरीके के साथ आप लोग चलेंगे तो आप लोग किसी चीज़ की परेशानी का गुजारा नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये कंप्लीट होती है आप लोगों को दिखाते हैं। इसके अलावा पैकेज में क्या क्या दिया जाता है, पैकेज में मेरा भाई आप लोगों को एक मशीन 3 अदर डाई सुपर मास्टर की, जिसकी फिनिशिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फर्स्ट क्लास, आउट क्लास होती है। इसके साथ आप लोगों को कंप्रेसर दिया जाता है जो कॉपर में होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पैकेज में नहायत ही मुनासिब रेट पर दिए जा रही हैं। आप लोग अभी रब्ता करें और अपना पैकेज बाय कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप वीडियोस के अंदर के पेमेंट नहीं बताते, भाई आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, आप लोग घर बैठे इस पेमेंट इसका रेट्स जान सकते हैं। ये आप लोगों को अंदाज़ा बता रहा हूँ, पहले की नस्बत अभी 25 से 30 हज़ार रुपये आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है पहले रोज़े से लेकर 25 रोज़े तक। इस रोज़े जान मुबारक का ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और जो लोग इस वीडियोज़ के साथ अपना कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद इसको लाइक और स्क्रीनशॉट लेकर आए मेरे पास, आप लोगों को 5,000 इस स्क्रीनशॉट और लाइक सब्सक्राइब की वजह से 5,000 डिस्काउंट मजीद दिया जाएगा। तो सिर्फ ये ऑफर जो चल रही है पहले रोज़े से लेकर 25 रोज़े तक आप लोगों को ये डिस्काउंट तकरीबन लेवल पर, तकरीबन 10% लेवल पर आ चुकी है, और ऐसे ही हल्का हल्का आपको नीचे से माल वैसे जाना स्टार्ट शुरू हो जाएगा, इसी टाइम आप लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर देना। इसलिए आप लोगों ने डाई को बंद करना है, इसके अंदर केबल वगैरह लगानी है, जैसे केबल वगैरह अंदर लगाएंगे आप लोगों ने अपना काम इसके अंदर स्टार्ट कर लेना है। इस तरह इसके अंदर केबल लगानी है, आप लोगों को सामने रख के लगा लूँ मैं, ये देखें केबल इस तरह रख के इसके अंदर लगा देनी है, ऊपर से डाई को बंद कर देना है,
डाई को बंद करने के साथ और इस डाई को उठा के इसका सुराख वाला हिस्सा ऊपर वाली साइड पे करना है। करने के बाद इसको इस अंदर रख के ये फुल टाइट कर देना है पीछे से। जैसे ये टाइट करना है आप लोगों की डाई इंशाल्लाह फिल हो जाएगी। और एक बात और याद रहे, जैसे ही ये पुशअप करके ऊपर आता है डाई पहले खोली, पहले दाना इसके अंदर डालना है ताकि अगली केबल बनाने के लिए दाना इसके अंदर तैयार हो जाए। तो अभी मैंने इसको खोला और बिस्मिल्लाह इसको चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास केबल इसके अंदर रेडी हो चुकी है। तो ये तरीकाकार है, कोई किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है इसमें, आप लोग अभी इसके ऊपर इजीली वर्क कर सकते हैं। सिर्फ इसकी हीट पूरी होनी चाहिए, हीट कंप्लीट होती जाएगी आप लोगों का काम स्टार्ट होता जाएगा और प्रेशर साथ साथ आप लोग प्रेशर का गौर जरूर रखना होता है। अब हमारा काम रह गया इसके अंदर एंड्रॉयड पिन लगाकर चेक करने का। एंड्रॉयड पिन भी इसके अंदर रखता हूँ और इसका भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये हमारा डाई होगी एंड्रॉयड पिन की, इसको मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तकनीक साथ साथ ये हमारी एंड्रॉयड की पिन हो गई, ये देखें, इसको अब मैं इसके ऊपर अंदर लगा लेता हूँ। और ये भी बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ये इस तरह एक हाथ से पकड़नी है, हाथ आप लोगों को इसकी शेप से बाहर हो और इस तरह इसको बंद करके ऊपर से बंद करने के साथ साथ जो इजीली आप लोग इसके वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बंद किया मैंने और इसके अंदर एक बात और बता दूँ, 2 सेकंड लगा देता हूँ और इंशाल्लाह इसके ऊपर डाई फिल हो जाएगी। ज़्यादा हीट हो जाए, ओवर हीट हो जाए तो फिर ये 1 सेकंड पे भी भर देती है। अब मैंने 2 सेकंड लगाए, इंशाल्लाह ये फिल हो गई है और मैं आप लोगों को इसका भी दिखा देता हूँ। ये भी डाई हमारी फिल हो चुकी है, ये देखिए। सिर्फ ये तरीकाकार है, आप लोगों ने इजीली इसके ऊपर वर्क करना है, कैसे करना है। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं समझे, आप लोगों को ट्रेनिंग आ चुकी है। और मैं ये भी आप लोगों को चीज़ सारी दिखा दूँ, ये देखें, ये लेवल हो रहा है, पूरा लेवल पे आ चुका है सारा सिस्टम। बकाया जो है हल्की हल्की यहाँ से वैसे जाना शुरू हो जाए या ज़्यादा वैसे जाना शुरू हो जाए यहाँ से, तो फिर आप लोगों ने यहाँ से हीट को कम कर देना होता है।